इंसानों में नेकी के बड़े मुख्तलिफ बल्कि मुतजाद तसव्वुरात जो है वो पाए जाते हैं। पहली बात तो बड़ी अहम यह है कि बुरे से बुरा आदमी भी नेकी के किसी न किसी काम को सरंजाम देकर अपने जमीर को मुतमईन करता है। मैं डाका तो डालता हूं लेकिन बेवाओं और गरीबों की मदद भी तो करता हूं अपने इलाके में। मैं फला काम तो करता हूं लेकिन फला मजार पर जाकर मैंने चादर भी तो चढ़ाई है, वहां देख भी तो पेश की है। उसकी वजह क्या है? अभी जिस चीज का जिक्र हो रहा था, जमीर, कॉन्शंस, ये इंसान की बातनी शख्सियत का एक बहुत अहम जुज है। जमीर का लफ्ज इस मानी में कुरान में नहीं आया लेकिन कुरानी इस्तलाह है नफ्से लवामा, वो नफ्स जो अंदर से मलामत करता है, देखो तुमने झूठ बोला, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, किसी और ने मलामत की या नहीं की, तुम्हारे अंदर कोई शय है जो मलामत कर रही, देखो तुमने फलां शख्स का दिल तोड़ दिया, ये अच्छा काम है। ये है लवामा जिसकी कसम खाई गई, ला उक्सिमु बियौमिल क़ियामति वला उक्सिमु बिन्नफ्सिल लवामा। ये नफ्स लवामा हर इंसान में है और जैसे हमारे जाहिरी वजूद के तकाजे हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, इसे कपड़े की जरूरत है मौसमी असरात से बचाव के लिए, ये जो मानवीय शख्सियत हमारी अंदर है ये भी कुछ डिमांड करती है और इंसान अपने आप को मुतमईन करता है, रैशनलाइज करता है, ठीक है ये 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 तो खराबियां हैं लेकिन मैंने ये 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 काम भी तो आखिर किए हैं ना। ये इंसान की एक लाजमी जरूरत है अपने जमीर को मुतमईन करना। अब देखिए हमारे यहां के मुख्तलिफ तबकात में मुख्तलिफ तसव्वुरात है नेकी के जो राइज हैं। हमारे यहां एक मजहबी तबका है जिसके नजदीक असल अहमियत रिचुअल्स की है, इबादात की है, रसूमात की है, मुआमलात में वो धोखा दे रहे हैं, सौदा करके फिर गए, उनके दिलों में नरमी नहीं है, साहिलों को धुतकारते हैं, लेकिन एक एतबार से बहुत देखे सूदी कारोबार करते हैं। ठीक है भाई मैं सूदी कारोबार तो करता हूं, मैंने मस्जिद में तो बनवाई है, मैंने मस्जिद में झाड़ भी तो लगवा दिया है, मैंने मस्जिद में कालीन भी तो बिछवाया है। तो नेकी का एक तसव्वुर यह है हमारे यहां, इसके बिल्कुल बरक्स एक तसव्वुर है जदीद तालीम याफ्ता तबकात का तसव्वुर। आपने बारहा सुना होगा गुफ्तगू, भाई असल नेकी यह है कि कोई किसी को धोखा ना दे, झूठ ना बोले, वादा पूरा करे, अपना फर्ज सही तौर से अदा करे, कहीं मुलाजिम है तो अपने फराइज सही तौर से अदा करे, बाकी रह गई नमाज रोजा ये तो इंफिरादी बातें हैं, ये कोई करता है तो अपने लिए, नहीं करता है तो कोई बात नहीं। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बरक्स तसव्वुर हैं और ये हमारे माशरे में जदीद तालीम याफ्ता तबकात का तसव्वुर नेकी और हमारे कदीम उलमा और उनके जेर असर जो आवाम है उनके तसव्वुर नेकी में ये जमीन और आसमान का फर्क है। आपको मालूम है कि अपनी जिस्म फरोश औरतें जो हैं वो भी नेकी का कोई ना कोई काम करती हैं। आप देखेंगे मुहर्रम में स्याह कपड़े पहन के जुलूस के आगे आगे जा रही हैं, सबीले लगा रही हैं, मुख्तलिफ मजारों में जब उर्स होता है वहां जाती है, धमाल खेलती है, वही स्याह कपड़े पहनते, वो भी अपने आप को मुतमईन करते। मशहूर है एक वाकया शहनशाह आलमगीर औरंगजेब का, उसने दिल्ली में गाने बजाने पर पाबंदी लगा दी। अब जाहिर बात है जिनका ये पेशा था उनका धंधा खत्म तो आमदनी खत्म, लाख कोशिशें की लेकिन औरंगजेब टस से मस नहीं हुआ।
फिर उन्होंने एक अजीब तरकीब की, वो दरियाए जमुना बिल्कुल साथ बहता था, ये किला इस शक्ल में बनाया गया था, अब तो जरा फासले पर। तो एक कश्ती में वो जमा हो गए, साजिंदे भी और साज भी और गाते बजाते हुए। उन्हें मालूम था फला वक्त जो है बादशाह झरोके में बैठकर दरिया की सैर करता है, वहां से गुजरे और एक शेर गाते हुए गुजरे, दरकुए नेक नामी मारा गुजर न दारन, गर तू नमी पसंदी तकदीर कदारा। दरकुए नेक नामी, ये नेकी जो है इसके कूचे में हमारा गुजर ही नहीं है। दरकुए नेक नामी मारा गुजर न दारन, ये तो अल्लाह की तरफ से फैसला है, उसकी मुकर्रर करदा तकदीर है। गर तू नमी पसंदी तगीर कुल कजारा, अगर तुझे पसंद नहीं है तो तकदीर बदल दे। तो बादशाह हंस पड़ा और उसने कहा कि ठीक है भाई, गाने बजाने की हद है, तुम्हें याद। तो हर एक तबके का अपना एक तसव्वुर है नेकी का। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, बड़े बड़े डाकू जो है वो अपने इलाके के बेवाओं यतीमों की सरपरस्ती करते हैं, वैसे नहायत दरिंदगी सफाकी, इंसानी जान की कोई हैसियत ही नहीं। तो नेकी असल में किस शय का नाम है, कौन सी चिड़िया का नाम है, नेकी हकीकत में क्या है, वो है इस आयत का मज़मून। मैं मिसाल दिया करता हूं, एक आम किस्सा है कि किसी गांव में पहली मर्तबा हाथी आया। अब वहां नाबीना लोग जो थे उन्हें भी पता चला एक अजीब जानवर आया है। वो आए और किसी ने उसकी टांग को टटोला, उसने कहा हाथी एक सुतून के मानी दे। किसी का उसके कान के ऊपर हाथ पड़ा, उसने कहा छाज के मानी दे वो। किसी ने पेट को टटोला, बहुत बड़ा ढोल है वो। बिल्कुल यही मामला है नेकी के तसव्वुर के बारे में। उड़ाए कुछ वरक लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। किसी ने नेकी का एक हिस्सा ले लिया, किसी ने दूसरा ले लिया, किसी ने तीसरा ले लिया। वो मुकम्मल सरापा नेकी, हकीकी नेकी किस में है, ये है इस आयत का मज़मून। बुल्ले शालों की हंस के यार मना लेंदे, ते साडा रोना भी ना मंजूर होया, मंजूर होया।